हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के नेक्स्ट मैच की, यानी कि 21 मैच की, जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जालमी के बीच में। टाइमिंग होगी 11:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। आज ये मैच खेला जाएगा। वेन्यू होगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी। वेन्यू स्टेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 164 का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 160 से 170 नॉर्मली यहाँ पे बन जाता है, बट एक्जैक्टली बात करें तो 164 यहाँ का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का। टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ 16 टाइम विन करी, यानी कि 42% मैचेस। टीम बैटिंग सेकंड ने 21 मैचेस जीते हैं, यानी कि 55% मैचेस। एक मैच टाई हुआ है, 3% मैचेस आप टाई बोल सकते हैं। बॉलिंग एवरेजेस की अगर हम बात करें यहां पे बॉलर्स के, यानी कि नंबर ऑफ रन्स कंसीडेड पर विकेट टेकन, यानी कि एक टाइप का बॉलर कितने रन खर्चने के बाद एक विकेट निकाल पाता है, तो आप पाएंगे लेग ब्रेक बॉलर यहां पे हर 23 रन देने के बाद एक विकेट निकालता है, फास्ट बॉलर 25 रन देकर एक विकेट निकालता है, मीडियम पेसर 27 रन देकर, ऑर्थोडॉक्स को 33 रन देने पड़ते हैं एक विकेट के लिए, और ऑफ ब्रेक बॉलर को 42 रन देने पड़ते हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रात वाला मैच है, यहाँ पे ड्यू ज्यादा होगा और बॉल जो है वो स्पिनर्स के लिए काफी फिसलने वाली है, यानी कि स्पिनर्स जो है वो उतना अच्छा स्पिन शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्यू की वजह से बॉल स्लिप होगी। लास्ट मैच की अगर बात करें इस वेन्यू पे जो खेला गया था वो पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में खेला गया था। इसमें जालमी ने 197 और ग्लैडिएटर्स ने 135 बनाए थे। उस मैच में 8 विकेट पेसर्स ने लिए थे और 4 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने लिए थे। उसके पहले जो एक मैच खेला गया था क्वेटा और इस्लामाबाद का, उसमें पेसर्स ने 7 विकेट ली थी और स्पिनर्स ने 1 विकेट ली थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पेसर्स थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करते हैं, पेसर्स को विकेटें थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। पेशावर जालमी लाहौर का भी एक मैच यहाँ पे खेला गया था, उसमें पेसर्स ने 7 विकेट और स्पिनर्स ने भी 7 विकेट ली थी। तो ये पिछले 3 मैचेस का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर जालमी के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मुल्तान ने 4 मैच विन करे हैं और पेशावर जालमी ने 3 मैच विन करे हैं। तो हेड टू हेड में मुल्तान जो है वो थोड़ी सी आगे है पेशावर जालमी से। लास्ट मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान पेशावर जालमी के बीच में जो आखिरी मैच खेला गया था, उसमें मुल्तान सुल्तान ने 193/4 बनाए थे, जिसमें 20 ओवर में रिजवान ने 41 की पारी खेली थी, लिन ने 1 रन बनाया था, विंस 84, मकसूद 36, रूसो 14, खुशदिल शाह 6। और विकेट्स की बात करें तो धानी को 2 विकेट उस मैच में मिली थी, उस्मान कादिर को कोई विकेट नहीं, 1 विकेट मिली थी, शाहिद अफरीदी को 1-0 विकेट, ब्रेथवेट और तनवीर को भी 0-0 विकेट मिली थी। पेशावर जालमी की तरफ से 197/4 बने, जिसमें इमाम उलक ने 48 बनाए थे, कामरान अकमल ने 37 रन की पारी खेली थी, कैडमोर ने 53 रन की पारी खेली थी, रदरफोर्ड 15, मलिक 11 और हैदर अली ने 24 रन लगाए थे। ये उस टाइम मिड में बैटिंग कर रहे थे, अभी तो हैदर अली ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें अगर उनकी बॉलर्स की, तो इमरान ने 1 विकेट लिया था, इरफान ने भी 1 विकेट लिया था, महमूद ने 2 विकेट ली थी, मुजीब को कोई विकेट नहीं मिली थी, वहाब को कोई विकेट नहीं मिली थी। तो ये इनके बीच का आखिरी मुकाबला है जो पहले खेला गया था। मुल्तान और पेशावर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होनी चाहिए सेम टू सेम जो पिछले मैच में थी, इसमें कोई बदलाव मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो सेम प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान कैप्टन विकेट कीपर है और ओपन करेंगे गुरबाज के साथ। गुरबाज की अगर हम बात करें तो गुरबाज जो है वो थोड़े से वोलेटाइल प्लेयर है, यानी कि वो कभी अच्छा भी खेल जाते हैं बट 2-3 मैच पर उनके खराब भी हो जाते हैं। तो गुरबाज जो है वो ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक होंगे, स्मॉल लीग में सेफ पिक तो मैं इनको नहीं बोल सकता। 48 मैचेस में आप देखिए 25 का बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, 154 का स्ट्राइक रेट है। और अगर आप स्कोर्स देखें इसके, इस सीरीज से पहले उन्होंने अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे खेला था, जिसमें 18, 9 और 87 रन लगाए थे, एक मैच में काफी अच्छा खेले। लंका प्रीमियर लीग में जो 5 मैच खेले थे उसमें 1 मैच में 34 रन लगाए थे, बाकी में फ्लॉप रहे थे। तो गुरबाज ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया पिक रहेंगे क्योंकि आपको पता है बैट्समैन को हेल्प मिलती है ड्यू जब होता है, बट कह नहीं सकते गुरबाज चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर चलेंगे तो फिर आपको पता है ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं, और नहीं चलेंगे तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान को तो आपको टीम में पिक करना है, बाकी किसी को पिक करें या ना करें तो रिजवान कैप्टनसी विकेट के भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप देखिए आखिरी पीएसएल, यानी कि पिछले कुछ पीएसएल मैचेस की अगर हम बात करें तो 29 रन 66 रन 43 76 41 71, ये इनके कुछ परफॉर्मेंसेज रहे हैं, यानी कि मोहम्मद रिजवान ओवरऑल एक बहुत अच्छे कैप्टन आपके लिए हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट देंगे। गुरबाज का भरोसा नहीं है। शोएब मकसूद की बात करें तो इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है पीएसएल में, आप देखिए इनके जो मैचेस हैं 31, 2, 34, 61, 36, ये इनके आखिरी पीएसएल के मैचेस के परफॉर्मेंस है। अपोजिशन टीम के खिलाफ भी 36 रन का नॉक लगाया, तो उसमें भी काफी अच्छा करा है। देखिए अपोजिशन के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने भी काफी अच्छा करा है, 41 रन लगाए हैं, और मोहम्मद इमरान ने रिजवान का विकेट निकाला था, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। मकसूद का एवरेज 28 का है, एक बार आप कंपेयर कर लीजिए, गुरबाज का 25 का है और रिजवान का 37 है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। तो रिजवान सबसे टॉप प्लेयर इस मैच में रहने वाले इस टीम से, फिर यहाँ पे शोएब मकसूद और रूसो इंपॉर्टेंट रहेंगे। रूसो 28 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 136 का है, और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो रूसो के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है, बट जब जब मौका मिलता है रूसो परफॉर्म करते हैं। बट अगर मुझे 10 मैचेस में रूसो को पिक करूंगा तो मुझे पता है 10 में से ये आपको 3 या 4 में अच्छा करके देंगे, बाकी के 5-6 मैच आपके खराब होंगे। तो रूसो का ऐसा है कि ये भी थोड़े से गुरबाज टाइप प्लेयर है, बट गुरबाज थोड़े ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, हालांकि रूसो फिर भी आपको अच्छे स्कोर करके देते हैं। रूसो ने काफी मैचेस भी खेले हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है और एवरेज भी थोड़ा सा ज्यादा है 28 का, तो रूसो फिर भी एक बेटर
बेटर ऑप्शन है। शिमरन हेटमेयर की बात करें तो काफी नीचे बैट करने आते हैं तो ये अच्छा नहीं कर पाते। सीपीएल वगैरह में जब नंबर 3 वगैरह पे बैटिंग करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं, बट नंबर 5-6 के आसपास तो आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। अगर बात करें आखिरी मैच की तो पीएसएल के आखिरी मैच में 7 रन लगाए हैं, उसके पहले आईपीएल खेल के आए, उसमें भी आप देखिए आईपीएल में भी 5-6-7 के आसपास बैटिंग करने आते हैं, बहुत नीचे आते हैं, तो उसमें भी स्कोर ज्यादा अच्छे नहीं है। 6 मैच में एक बार अच्छा खेला है 53 रन की पारी, तो वो बहुत रेयरली होता है। खुशदिल शाह की बात करें आखिरी मैच में 44 रन की पारी खेली, बट उसके पहले आप स्कोर देखिए तो वो भी काफी खराब है। अपोजिशन टीम के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एवरेज भी देखें तो नॉर्मल ही है। तो खुशदिल शाह एवरेज पिक रहेंगे, शिमरन हेटमेयर भी मेरे हिसाब से एवरेज पिक ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर काफी अच्छे अच्छे प्लेयर है और शिमरन हेटमेयर काफी लेट भी बैटिंग करने आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो हेटमेयर के चांसेस परफॉर्म करने के थोड़े से कम रहेंगे। सोहेल तनवीर ठीक ठाक पिक बोलूंगा, क्योंकि पिछले 3 मैचेस से पीएसएल में इनको विकेट नहीं मिली, हालांकि पूरे 4 ओवर कंफर्म डालते हैं और कुछ बैटिंग भी कर देते हैं, बट फिर भी डिसेंट पिक रहेंगे। आपको इनको टीम में पिक करना चाहिए अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो तनवीर ठीक ठाक पिक है। सोहेल खान की बात करें, डेथ में बॉलिंग कर रहे, आखिरी ओवर करा था इन्होंने लास्ट मैच में, आपने देखा होगा 20वां ओवर करा था, हालांकि इनको विकेट नहीं मिल पाई थी। 114 मैचेस में 113 इनिंग्स में 134 विकेट निकाली है, अच्छे पिक है। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली, उसके पहले एक विकेट मिली है 2 मैचेस में, उसके पहले विकेट नहीं मिली, 4 मैच में 2 ही विकेट निकाल पाए, तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़े से एवरेज पिक ही है, बस यही डेथ का थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। देखिए इस फ्रेंचाइजी से इन्होंने पीईएस के खिलाफ यानी कि पेशावर जालमी खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, बाकी दूसरी से खेले हैं बट इस फ्रेंचाइज नहीं। इमरान ताहिर की बात करें तो 309 मैच 295 इनिंग्स में 388 विकेट निकाल रखे, हालांकि देखिए इनको दिक्कत होगी क्योंकि ड्यू फैक्टर रहेगा तो बॉल जो है वो उतना स्पिन शायद ना हो पाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इमरान ताहिर फिर भी अच्छे प्लेयर हैं, आपको टीम में लेने की कोशिश करनी चाहिए, इनके रिकॉर्ड काफी अच्छे। देखिए पीएसएल में पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, अपोजिशन टीम के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला उसमें विकेट नहीं मिली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं शहनवाज धानी की। शहनवाज धानी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 5 मैच 5 इनिंग 9 विकेट हैं, पिछले सीजन यानी कि पिछले जो पीएसएल के मैचेस थे उसमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा था, और अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-3-2-2-2 ये इनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं। अपोजिशन टीम के खिलाफ 1 मैच खेला, उसमें भी इन्होंने 2 विकेट निकाली है, मिड में ओवर्स करते हैं बट विकेट टेकिंग ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं इमरान खान, 58 मैचेस 57 इनिंग्स 62 विकेटें, ठीक है, ही पिक 7 विकेट्स फ्रॉम 5 मैचेस नेशनल T20 कप, और रीसेंट फॉर्म भी आप देखें तो बहुत अच्छा है। ऑल मैचेस की अगर हम बात करें इनके सारे टीमों के खिलाफ तो 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगातार विकेट लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेशावर के खिलाफ खेले नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिमेरिट पॉइंट है, बाकी अच्छे प्लेयर हैं। देखिए 58 मैचेस में 62 विकेट है, तो ऑन एन एवरेज आप इनसे एक आध विकेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पेशावर जालमी की टीम की, जिसमें कामरान अकमल और हैदर अली ओपन करेंगे। हैदर अली उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, कामरान अकमल फिर भी थोड़े अच्छे प्लेयर हैं और आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट दिला सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस वाइज भी कामरान अकमल ने काफी यहाँ पे मैचेस खेल रखे हैं और अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, सॉरी होम ग्राउंड क्या बोल रहा हूँ, आबू धाबी में खेलेंगे, बट आबू धाबी में आमतौर पर पाकिस्तान के काफी प्लेयर खेलते रहते हैं, तो एक्सपीरियंस वाइज फिर भी कामरान अकमल के पास काफी एक्सपीरियंस है। 270 मैच 6000 रन, एवरेज 26 का, स्ट्राइक रेट 134 का। अगर ऑल मैचेस के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें, आखिरी मैच में 59 लगाया, उसके पहले 1 रन है, 21 33 37 5, तो परफॉर्मेंस अच्छा है और आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट काफी दे सकते हैं, 1-2 कैच भी पकड़ेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब पोजीशन टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें तो 37 रन लगाया था, आखिरी बार खेले थे उस्मान कादिर ने इनकी विकेट ली हुई थी। हैदर अली की बात करें तो हैदर अली का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले 3 मैचेस से स्कोर इनके 10K नीचे जा रहे हैं, हालांकि अच्छे पिक हैं, अगर आप ग्रैंड लीग में ट्राई करें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास, बट फिर भी ओवरऑल बात करें तो आपके लिए स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की ही रहेंगे। अपोजिशन टीम के खिलाफ 24 नॉट आउट की एक पारी जरूर खेली है, बाकी परफॉर्मेंसेज आप देखिए एवरेज ही हैं। शोएब मलिक एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, शोएब मलिक आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं और इस मैच में भी, क्योंकि सामने वाली टीम के खिलाफ काफी लेफ्ट हैंडर्स भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर शोएब मलिक से बॉलिंग करवा सकते हैं, अच्छी खासी 2-3 ओवर डाल सकते हैं, हालांकि बॉलिंग में तच्छन का रिकॉर्ड है नहीं, 2 मैच में पिछले इन्होंने बॉलिंग करी उसके पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे, और 418 मैच में आप देखिए 236 बार बॉलिंग करी है, यानी कि लगभग हाफ मैचेस में बॉलिंग करते हैं, और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आप मानिए हर 4 मैच में इनको 2-3 विकेट ही मिल पाती हैं, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलिए 3 मैच में 2 विकेट ले पाएंगे, बट फिर भी एक ऑप्शन रहेगा मलिक के पास, अगर कंप्लीट ओवर्स करते हैं तो एक आध विकेट का चांस तो रहेगा, और वो बैट्समैन भी काफी बढ़िया है, 1 मैच में 73 रन की पारी भी खेली, 3 पे बैटिंग करने भी आ रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, तो मलिक आपको टीम में पिक करने हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आखिरी मैच में 2 रन, उसके पहले 73 1 29 34 इनका परफॉर्मेंस है। अपोजिशन टीम के खिलाफ 1 मैच खेला, 11 नॉट आउट, और बॉलिंग में आप परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, ये इनका परफॉर्मेंस है। डेविड मिलर की हम बात करते हैं, तो मिलर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 333 मैच में 7000 रन है, एवरेज 35 का, स्ट्राइक रेट 137 का है। पीएसएल में 73 और 21, ये 2 इनके स्कोर्स हैं, साथ साथ आईपीएल इसके पहले खेले थे तो उसमें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, हालांकि मिलर को यहाँ पे मौका भी मिलेगा नंबर 4 के आसपास बैटिंग करने का, और सामने वाले टीम की जो बॉलिंग है उसके हिसाब से मिलर का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, नाइट में तो खास करके अच्छा आना ही चाहिए। रॉबिन बॉबिल की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया बैट्समैन है, विंडीज 81 मैचेस 1200 रन, एवरेज 21 का है, आखिरी मैच में 43, उसके पहले 0 पीएसएल में परफॉर्मेंस, उसके पहले सीपीएल खेल के आए 33 2 5
0 डू नॉट बैट 2। तो ऑन एवरेज बात करें तो अगर यहाँ पे टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप होता है तो पॉवेल अच्छा खेल सकते जैसे पिछले मैच में खेला, बट अगर शुरुआत अच्छी होती है टीम की तो पॉवेल के पास उतना चांस होगा नहीं। हो सकता है पॉवेल से पहले रदरफोर्ड को भी टीम भेज दे हिटिंग करने के लिए, हालांकि पॉवेल भी काफी बढ़िया खेलते हैं बट रदरफोर्ड को भी प्रमोशन मिल सकती है कभी भी, इस चीज का भी ध्यान रखिए। रदरफोर्ड की बात करें तो आप इनकी इनिंग्स देख सकते हैं, तो जब जब इनको मौका मिलता है ये भी डिलीवर करते हैं बट उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। अपोजिशन के खिलाफ आखिरी मैच में 15 रन है। फैबियन एलन की बात करें तो फैबियन एलन 38 मैच 32 इनिंग्स और 22 विकेट हैं, तो उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन T20 फॉर्मेट में ये है नहीं, बट क्योंकि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं कभी कभी तो उस लिहाज से आप इनको पिक कर सकते हैं, बट क्योंकि ऊपर बैट्समैन भी काफी भरे पड़े हैं अच्छे खासे फॉर्म में हो, तो मेरे हिसाब से एलन की बॉलिंग के चांसेस थोड़े से कम है इस बार करने के। पिछले मैच में सिर्फ एक ही ओवर कराया था, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉलिंग में भी इतना कोई डिलीवर करके नहीं दे रहा। आप देखिए रिकॉर्ड भी देखिए, PSL में आखिरी मैच में 1 विकेट, उसके पहले 2 विकेट हैं, IPL में 0 और 1 विकेट है, वेस्टइंडीज श्रीलंका में खेले थे तो 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। तो ओवरऑल बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको एक आध विकेट लेके दे सकते हैं अगर कंप्लीट 4 ओवर करते हैं, तो अगर वो उनको नहीं मिलते तो फिर ये थोड़ा सा डिमेरिट हो जाएगा आपके लिए। वहाब रियाज, उमेद आसिफ दोनों को दोनों डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप दोनों के रिकॉर्ड देखें तो फॉर्म भी काफी बढ़िया चल रहा है दोनों का, ऑल टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंस रियाज का तो बहुत अल्टीमेट है, उमेद आसिफ भी काफी अच्छा कर रहे हैं। अपोजिशन टीम के खिलाफ उमेद आसिफ का रिकॉर्ड ठीक ठाक है और वहाब रियाज का थोड़ा सा खराब है, बट फिर भी ओवरऑल काफी अच्छे प्लेयर हैं दोनों के दोनों, आपको टीम में लेने चाहिए। इसके बाद आते हैं मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इरफान, इसमें आप इमरान को भी ले सकते हैं इरफान को भी ले सकते हैं। इमरान डेथ में बॉलिंग कर रहा है अभी फिलहाल, कुछ ओवर कर लेते हैं एक आध दो ओवर, और बात करें मोहम्मद इरफान की तो ये मिड ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, बट ओवरऑल बात करें तो इरफान के रीसेंट परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं। आखिरी मैच में 3 विकेट लेके गए, उसके पहले 1-1-0 एक ये इनका परफॉर्मेंस है। अपोजिशन टीम के खिलाफ दोनों ने 1-1 मैच ही खेला और उसमें 1-1 विकेट निकाली हुई है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इरफान की थोड़ी सी बेटर है। और इमरान की बात करें तो थोड़ी सी आप देखिए 7 मैच में 4 विकेट ही हैं, तो कभी अच्छा करेंगे कभी नहीं भी करेंगे। तो ये हो गई बात यहाँ पे इरफान, यहाँ पे आप प्रेफर कीजिए इमरान के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई बात रिकॉर्ड्स की, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, दोनों टीमों के रिकॉर्ड सब कुछ बता दिए। अब हम चलेंगे ड्रीम 11 टीम पर और देखेंगे क्या मेरी इस मैच में ड्रीम 11 टीम रहने वाली है, तो देख लेते हैं। और ड्रीम 11 टीम मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज ये मेरी ड्रीम 11 टीम है इस मैच में, फोकस हो जाने दीजिए। हाँ, मेरे कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पे कामरान अकमल है। बैटिंग सेक्शन में आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे शोएब मलिक को लिया है, रूसो को पिक करा है, मिलर को पिक करा है, साथ ही साथ मैंने मकसूद को पिक करा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने तनवीर को पिक कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन में वहाब रियाज, उमेद आसिफ, डेथ में बॉलिंग करेंगे दोनों अच्छे फॉर्म में भी हैं, इमरान ताहिर और सोहेल खान को टीम में पिक करा है। आप चाहें तो सोहेल खान की जगह पे यहाँ पे आप इरफान खान को भी ले सकते हैं, इमरान खान को भी ले सकते हैं, और धानी भी आपके पास एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर ट्राई करने हो तो। बाकी मेरे हिसाब से टीम काफ़ी बढ़िया है, आप इसी के साथ जाइए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मेरे कैप्टन तो रिजवान तो कन्फर्म ही है, वाइस कैप्टन में थोड़ा सा डाउट है, बट वाइस कैप्टन भी कामरान अकमल को बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े अच्छे फॉर्म में भी देखे पिछले मैच में, और विकेट कीपिंग के भी पॉइंट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा शोएब मलिक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो आप इनको भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज बाकी अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम 11 प्लेइंग 11 ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल नेम है, एक बार मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसको आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सो गाइस अब वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय, बेस्ट ऑफ लक।